हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसको सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। ये कहानी है एक दुर्दांत भालू की, जिसका खात्मा एंडरसन ने ही किया था। इस भालू ने कई सारे आदमियों की जान ले ली थी। आमतौर पर भालू इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, ये इंसानों से डरते हैं। लेकिन जब भी कोई इंसान गलती से या जानबूझकर भालू के नज़दीक पहुंच जाते हैं तो भालू उन पर हमला कर देते हैं। जिस भालू की कहानी मैं सुना रहा हूं, इसके बारे में लोग बताते हैं कि ये भालू मादा भालू थी, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार ये अपने दोनों बच्चों को गुफा में छोड़कर खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वो दोनों बच्चे गुफा से खेलते खेलते बाहर आ गए। तभी वहाँ से कुछ आदमी गुजर रहे थे, जो जंगलों से लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। उन लोगों के पास कुल्हाड़ियाँ थीं। उन्होंने उन दो बच्चों को गुफा के बाहर देखा तो उन्होंने अपने कुल्हाड़ियों से हमला करके भालू के बच्चों को मार डाला। शाम के समय जब मादा भालू वापस पहुंची, तो उसे अपने बच्चों की लाश गुफा के बाहर मिली। भालू में सूंघने की क्षमता गजब की होती है। वहाँ मौजूद इंसानी गंध को वो मादा भालू पहचान गई। उसके बाद से उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। ये पहला कारण था कि ये इंसानों से नफरत करने लगी थी। वहीं गांव के कुछ और लोगों का कहना था कि इस भालू को किसी शिकारी ने अपनी गोली से घायल कर दिया था। उस शिकारी द्वारा चलाई गई गोली से इसकी जान तो बच गई थी, लेकिन ये कई हफ्ते दर्द में तड़पती रही थी। इसलिए अब वो इंसानों को देखते ही उन पर हमला करने लगी थी। समय के साथ साथ इसका दुस्साहस बढ़ता गया। पहले ये उन्हीं लोगों पर हमला करती जो इसको जंगलों में मिल जाते, लेकिन अब तो ये गांव के आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों पर भी हमला करने लगी थी। वहाँ के लोग ज़्यादातर मूंगफली की खेती किया करते थे, इसलिए जब भी ये मादा भालू खेतों की तरफ मूंगफलियों को खाने जाती तो वहाँ पर इसे खेतों में काम कर रहे लोग मिल जाते और वो बेचारे इसके हमले का शिकार हो जाते। अब तक उसने कई दर्जन आदमियों को घायल कर दिया था और लगभग एक दर्जन इंसानों की जान ले ली थी। एंडरसन को इस भालू के बारे में पहले भी कई बार सुनने को मिला था, लेकिन उन्होंने कभी भी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो सोचते थे कि शायद ये बातें बढ़ा चढ़ाकर उनके पास पहुंच रही है। एक आध मौके पर वो उन जगहों की पड़ताल करने के लिए वहाँ पहुँचे भी, लेकिन उनको वहाँ किसी भी भालू के निशान नहीं मिले थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनको भी यकीन हो गया कि इन सारे कत्लेआम के पीछे कोई भालू ही है। वो वाक्या कुछ इस प्रकार था। मैसूर में एक जगह है आरसीके, इसको आप मैप में सर्च भी कर सकते हैं। एक बार एंडरसन रात में वहाँ अपनी कार से गुजर रहे थे, तभी उनकी कार का पिछला पहिया निकल गया। कार की स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। उनकी कार का एक्सल कुछ दूरी तक घसीटते गया था, जिससे काफ़ी तेज आवाज़ पैदा हुई। एंडरसन अपनी कार से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि कार का पहिया निकल गया है। इस घटना में एंडरसन को खरोंच तक नहीं आई थी। वहीं पास में एक मजार थी। उस मजार पर एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, जो मजार की देखभाल किया करता था। उस आदमी का नाम था आलम बेग। आलम बेग सुबह शाम मजार पर अगरबत्ती जलाया करता था। उसने जब जोरदार आवाज़ सुनी तो वो एंडरसन की कार की तरफ गया। वहाँ उसने देखा कि एंडरसन अकेले ही कार का पहिया बदलने की कोशिश कर रहे थे। उसने कार का पहिया बदलने में उनकी मदद की। एंडरसन ने उसको कुछ रुपये दिए और उसी रात अपने घर लौट आए। उसके बाद से एंडरसन जब भी वहाँ से उस रास्ते से गुजरते तो आलम बेग से मिले बिना वहाँ से नहीं जाते। कभी कभार वो उसके और उसके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले जाया करते थे। मजार के पास काफ़ी घना जंगल था और पास ही में कुछ मूंगफलियों के खेत भी थे। आलम बेग के परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की। एक दिन आलम बेग का लड़का जंगल से जरौनी लकड़ियाँ लाने गया हुआ था। उसने पतली पतली लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया, तभी वो भालू वहाँ पहुँच गया। भालू को देखते ही उस लड़के ने भागना चाहा, लेकिन वो भाग पाता इससे पहले ही भालू ने उस पर हमला कर दिया।
उसने लड़के की गर्दन को अपने मुंह में दबा लिया, जिसके कारण उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। उसने अपने तेज नाखूनों से उसके शरीर पर कई वार किए। लड़का जब बेहोश हो गया तो उसे मारा जानकर भालू जंगल में वापस लौट गया। कुछ देर बाद जब लड़के को होश आया, पहले तो उसे कुछ समय ये समझने में लगा कि उसके साथ क्या घटना घटी है। जब वो पूरी तरह होश में आ गया तो वो धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर भालू को उस जगह ढूंढने लगा। किस्मत से भालू वहाँ से दूर चला गया था। वो बेचारा लड़का लड़खड़ाते हुए कैसे भी अपने घर पहुँचा। आलम बेग ने देखा कि उसके लड़के का इतना खून बह रहा है। तब उस लड़के ने सारी कहानी बताई कि कैसे भालू ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। लड़के के शरीर पर काफ़ी गंभीर घाव थे, जिससे खून बहता जा रहा था। आसपास कोई अस्पताल भी नहीं था जहां उसे ले जाया जा सके। चूंकि रात हो चुकी थी, अब अगली सुबह ही उस लड़के को शहर ले जाया जा सकता था। रात भर उस लड़के की पट्टियां बदली गई, लेकिन खून बहता रहा और सुबह होते होते उस बेचारे लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। आलम बेग के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उस लड़के की बहन उसको बहुत प्यार करती थी। अपने भाई को रात भर उसने दर्द से तड़पते हुए देखा था। ये सदमा उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। अगली सुबह आलम बेग ने अपने बेटे को मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार ज़मीन में दफन किया। उसका मन तो कर रहा था कि वो खुद ही बेंगलोर जाकर एंडरसन को अपने साथ लेते आए, लेकिन ऐसे दुख की घड़ी में वो अपने परिवार को अकेले कैसे छोड़ सकता था। उसने एंडरसन को एक पोस्ट कार्ड लिखा, जिस पर उसने अपनी आपबीती लिख दी थी। 2 दिन बाद एंडरसन को वो पोस्ट कार्ड मिला। पोस्ट कार्ड पढ़ते ही एंडरसन भी भावुक हो गए। जिस लड़के से वो पिछले महीने ही मिले थे, अब वो लड़का दुनिया में नहीं रहा था। एंडरसन ने भालू को मारने के निश्चय से अपनी राइफल साथ ली और काफ़ी कम सामान के साथ अपनी कार से आलम बेग के पास पहुंच गए। एंडरसन ने सोचा कि भालू जैसे जानवर को मारने में शायद उन्हें 1-2 दिन का ही समय लगे। एंडरसन ने आलम बेग को अपने साथ लिया और सबसे पहले उन्होंने उस जगह को देखा जहां पर आलम बेग के लड़के पर भालू ने हमला किया था। वहां उन्हें उस लड़के के कुछ फटे हुए कपड़े मिले और ज़मीन पर बहुत सारा खून जो पत्थरों पर लगकर सूख चुका था। आसपास की जगहों पर खेत में काम करने वाले लोगों ने उस दिन के बाद से कभी भी उस भालू को देखा नहीं था। एंडरसन जंगल में लगातार भालू को खोजते रहे। उन्होंने आसपास की जगहों को खंगाल डाला, लेकिन भालू नहीं मिला। उन्होंने आलम बेग से ऐसी जगहों के बारे में पूछा जहां अक्सर भालू आया जाया करता था, या फिर ऐसी जगहें जहां वो जाकर छुप सकता था। अब उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि भालू दिन के समय हो ना हो किसी गुफा में जरूर छुप जाता होगा। अगले दिन एंडरसन ऐसी गुफाओं की खोज में निकले जहां भालू हो सकता था। उन्होंने बहुत सी गुफाओं को खंगाला, लेकिन उनमें कोई भी गुफा इतनी गहरी नहीं थी कि उसके अंदर भालू छुप सके। एंडरसन को खोजते खोजते एक गुफा मिली जो अंदर काफ़ी गहरी थी और उसमें भालू छुप सकता था। गुफा के मुंह पर बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके छांव में गुफा के अंदर और ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। एंडरसन बहुत सावधान होकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। भालू अक्सर गुफाओं में ही रहना पसंद करते हैं और जब वो सोते हैं तो इंसानों जैसे खर्राटे लेते हैं। काफ़ी दूर से ही उन आवाज़ों को सुना जा सकता है, लेकिन उस गुफा से ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एंडरसन ने कुछ पत्थर उस गुफा में फेंके, लेकिन कोई जानवर बाहर नहीं आया, ना ही उस गुफा के अंदर कोई हलचल हुई। अब एंडरसन खुद ही डरते डरते गुफा के अंदर गए, लेकिन वहाँ कोई जानवर नहीं था। एंडरसन निराश होकर वापस लौटा। भालू की खोज में 3 दिन बीत गए थे। इन 3 दिनों में उन्होंने आसपास की हर संभव जगह पर भालू की तलाश की थी। पास में ही मूंगफली के खेत भी थे, जिनमें से मूंगफलियां खाने भालू अक्सर वहां आया करता था। एंडरसन रात में उन खेतों के पास भी बैठे, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। एंडरसन जिस दिन से वहां पहुंचे थे, उसी दिन से भालू के द्वारा कोई गतिविधि नहीं की गई थी। एंडरसन के पास इतना समय नहीं था
कि वो यहाँ और रुके। वो घर से सिर्फ एक या दो दिन का सामान लेकर निकले थे। चौथे दिन उन्होंने आलमबैग से वापस बेंगलोर जाने की इजाज़त मांगी। हालांकि आलमबैग उनको वहीं रोकना चाहता था, लेकिन एंडरसन की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और अब उसको भी लग रहा था कि भालू शायद इस जगह से कहीं दूर चला गया है। एंडरसन ने कुछ रुपये आलमबैग के हाथ में थमा दिए और कहा कि अगर आगे किसी भी आदमी पर भालू हमला करे तो उनको टेलीग्राम जरूर कर दें। एंडरसन बेंगलुरु आ गए। एक आध महीने बाद उनको आलमबैग का एक पत्र मिला जिस पर भालू द्वारा लोगों पर हमला किए जाने की बात लिखी थी। एंडरसन का अंदाज़ा सही निकला था। भालू ने पुरानी जगह को छोड़ दिया था। अब वो आरसीके से लगभग 20 किलोमीटर दूर सकरेपटना नाम की जगह पर हमला कर रहा था। उसने वहाँ 3 आदमियों की जान ले ली थी और कई लोगों पर हमला किया था। दूरसंचार के उचित माध्यम ना होने के कारण आलमबेग को ये बात कुछ देर से पता चली थी, इसलिए इतने लोगों की जान जाने के बाद उसने एंडरसन को पत्र लिखा था। खैर, काम में व्यस्तता के कारण एंडरसन वहाँ नहीं पहुँच पाए। जिस दिन वो सकरेपटना के लिए निकलने ही वाले थे, ठीक उससे एक शाम पहले उन्हें सकरेपटना के डीएफओ का पत्र मिला, जिसने पत्र में उनसे उस भालू को मारने के लिए मदद मांगी थी। एंडरसन अगली सुबह सकरेपटना पहुँच गए। सबसे पहले वो वहाँ के फॉरेस्ट बंगले पर गए जहाँ पर वो डीएफओ उनका इंतज़ार कर रहा था। एंडरसन के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद डीएफओ ने उस जगह के मैप पर वो जगह एंडरसन को दिखाई जहाँ पर भालू ने पिछले 20 दिनों में हमले किए थे। भालू पहले से ज़्यादा आक्रामक हो चुका था। लोगों ने जंगलों में जाना कम कर दिया था, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों की जीविका का साधन जंगल ही थे, इसलिए उनको जंगलों में जाना ही पड़ता था और बदकिस्मत लोगों पर भालू हमला कर देता। एंडरसन अकेले अपनी राइफल लेकर जंगलों में निकल पड़े। कई जगहों पर उन्होंने खोजबीन की, लेकिन भालू का कुछ अता पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते जब वो थक गए तो वो दोपहर को वापस बंगले पर आ पहुँचे। वो डीएफओ से आगे की कार्य योजना पर चर्चा कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक आदमी हाँफते हुए पहुँचा। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वो हाँफते हाँफते बोला कि साहब, मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। उस पर भालू ने हमला कर दिया। एंडरसन ने अपनी राइफल उठाई और कुछ और लोगों को अपने साथ ले लिया और उस जगह की तरफ बढ़े। सबसे आगे उस आदमी का भाई रास्ता दिखाते हुए चल रहा था। उन्होंने कुछ और लोगों को अपने साथ इसलिए लिया था ताकि उसके घायल भाई को लाद कर वापस गांव में लाया जा सके। अभी उन्हें 5 किलोमीटर और चलना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल और घना होते जा रहा था। एंडरसन के साथ के कुछ आदमी घने जंगल में जाने से कतरा रहे थे। उन्होंने डरते हुए एंडरसन से कहा कि वो लोग आगे नहीं जाना चाहते हैं। एंडरसन ने उन सभी को वापस भेज दिया और सिर्फ उस आदमी के भाई को लेकर आगे बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलकर जंगल और घना हो चला था। कटीली झाड़ियों की वजह से आगे का रास्ता और कठिन हो गया था। बड़ी बड़ी सिर के बराबर ऊंचाई वाली घनी झाड़ियों में भालू कहीं भी हो सकता था। अब तो उस आदमी के भाई ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया और वो भी वापस लौट गया। जाने से पहले उसने एंडरसन को आगे की तरफ हाथ से इशारा करके उस जगह का मोटा मोटा अनुमान दे दिया जहाँ पर उसके भाई पर भालू ने हमला किया था। चाहते तो एंडरसन भी वापस चले जाते, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहते थे। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि शायद उस आदमी का भाई जिस पर भालू ने हमला किया था, वो भालू के हमले में बच निकला हो और उसकी जान बच गई हो और वो यहीं कहीं घायल अवस्था में उनको मिल जाए। हालांकि घनी झाड़ियों में आगे बढ़ने से एंडरसन को भी काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, अब उनको भी लगने लगा कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। उन्होंने वापस जाने से पहले एक खुली जगह पर आकर उस आदमी का नाम लेकर कई बार उसे पुकारा, लेकिन उनकी पुकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। वो वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उन्हें बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई आदमी कराह रहा हो। वो उस आवाज़ की तरफ झाड़ियों को हटाते हुए बढ़े। उनको एक पेड़ की जड़ पर एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। खून से लथपथ वो आदमी एकदम बेहोशी की हालत में था।
अब एंडरसन के सामने ये समस्या थी कि इस आदमी को उठाकर गांव में कैसे ले जाया जाए। अगर उसको यहीं छोड़ दिया जाएगा तो उसकी मौत निश्चित थी, और अगर एंडरसन उसको कैसे भी गांव तक ले जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। यही सोचकर एंडरसन ने उस आदमी को अपने कंधे पर उठा लिया और गांव की तरफ बढ़ चले। इतना ज़्यादा वजन लेकर कभी ढलान तो कभी चढ़ाई पर वो आगे बढ़ रहे थे। वो जब जब थक जाते तो उस आदमी को नीचे उतारकर सुस्ता लेते, थोड़ा आराम करके वो फिर आगे बढ़ने लगते। अभी वो गांव से 2 किलोमीटर दूर थे, तभी उनका पैर एक पत्थर पर पड़कर मुड़ गया और वो उस आदमी को लेकर धाम से गिर पड़े। उनके पैर में मोच आ गई थी जिसके वजह से उनको असहनीय दर्द हो रहा था। वो उड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके पैर में काफ़ी दर्द था, चलना तो दूर की बात है, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। उनके पास ही में पड़ा वो आदमी कराह रहा था। एंडरसन की राइफल पास में ही गिरी पड़ी थी। एंडरसन ने घसीटते हुए राइफल को उठाया और वहीं ज़मीन पर लेटे लेटे मदद के लिए आवाज़ देने लगे, लेकिन उनके आवाज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी आवाज़ गांव तक नहीं पहुंच सकती थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अब एंडरसन समझ चुके थे कि उन्हें इस मरते हुए आदमी के साथ अकेले ही इस जगह पर रात गुजारनी पड़ेगी। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी लेकिन यहाँ उनको पानी कौन पिलाए। देखते ही देखते रात हो गई। रात होने पर जंगल के सारे निशाचर जानवर एक्टिव हो गए। जंगल जंगली जानवरों की आवाज़ से गूंजने लगा। कभी कहीं से कोई सियार बोल पड़ता तो कभी कोई हिरण अलार्म कॉल देने लगता। इतने घने जंगल में एंडरसन को नींद भी कैसे आ सकती थी। वहीं भालू की दहशत से वो भली भांति वाकिफ थे। उन्होंने पूरी रात जागते जागते बिताई। रात में ही उस आदमी की सांसें रुक गई थी। सुबह के समय पास के गांव के आदमी जंगलों में आए तो उन्होंने एंडरसन को एक मरे हुए आदमी की लाश के साथ पाया। एंडरसन को टांग कर गाँव में लाया गया और डीएफओ को खबर भिजवाई गई। डीएफओ ने एंडरसन को सकरेपटना नाम के शहर में अस्पताल में एडमिट करवा दिए। एंडरसन उस हॉस्पिटल में 7 दिन तक एडमिट रहे, तब जाकर वो कुछ चलने लायक हुए। इन 7 दिनों में भालू भी शांत नहीं बैठा था। उसने 2 आदमियों की जान ले ली थी और कई आदमियों को घायल कर दिया था। एंडरसन को डीएफओ ने उन जगहों के बारे में विस्तार से बताया जहां पर भालू ने लोगों पर हमला किया था। हर बार की तरह एंडरसन ने उन जगहों का घूम घूम कर मुआयना किया लेकिन भालू उनको नहीं मिला। ये किस्मत ही थी कि एंडरसन भालू को ढूंढ रहे थे लेकिन वो एंडरसन को नहीं मिलता, जबकि वो दूसरे आदमियों को आसानी से शिकार बना रहा था। एंडरसन जब अपने घर से चले थे तो उन्होंने सोचा था कि वो 1 या 2 दिनों में ही उस भालू को मार देंगे, लेकिन उनको यहाँ आए 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। अब ऐसे में उनको भी हताशा होने लगी थी। उनको लगने लगा था शायद उस भालू की उम्र छोटी करना उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने निराश होकर डीएफओ से कहा कि वो कल सुबह वापस बेंगलोर चले जाएंगे, आज की रात उनकी यहाँ पर आखिरी रात है। वो इतना निराश हो चुके थे कि उन्होंने उस रात का खाना भी नहीं खाया। वो अपने बंगले से अकेले ही जंगल में चल पड़े। उनके बाएं कंधे पर उनकी राइफल लटक रही थी। उन्होंने मन बनाया था कि वो जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहाँ पर टेंडू के पेड़ हैं। टेंडू एक प्रकार का मीठा फल होता है जिसको खाना भालू ही क्या इंसान भी काफ़ी पसंद करते हैं। एंडरसन ने सोचा कि शायद रात में भालू भी उस टेंडू के फल को खाने के लिए उस जगह पर पहुँचे। एंडरसन के मन में यही सब चल रहा था और वो सोचते सोचते उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर कई सारे टेंडू के पेड़ थे। चांदनी रात में जंगल प्रकाशमान था, जहाँ टॉर्च की ज़रूरत ना के बराबर ही थी, लेकिन पेड़ों की छाया में गुप्त अंधेरा था। एंडरसन ने एक टेंडू के पेड़ को चुना और उसके जड़ के पास पेड़ की छांव में अंधेरे में बैठ गए। उन्होंने अपनी पीठ पेड़ पर टिका दी। वो ध्यान लगाकर जंगल में उत्पन्न होने वाली हर आवाज़ को सुन रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी रात आप अकेले जंगल में जंगली जानवरों के बीच ज़मीन पर बैठे हों तो आपको क्या अनुभूति होगी। शायद डर के मारे आप कांप उठेंगे और घर की तरफ दौड़ लगा देंगे। लेकिन ऐसे ही एंडरसन और कॉर्बेट को बेहतरीन शिकारियों में नहीं गिना जाता है। उन्होंने जंगल में अपने एक्सपीरियंस के दम पर अपने डर पर काबू पा लिया था। एंडरसन को यहाँ बैठे 1 ही घंटा बीता होगा कि उन्हें सामने पहाड़ी से किसी जानवर के उतरने की आवाज़ सुनाई थी। अक्सर भालू
और हाथी जब भी जंगल में चलते हैं तो वो तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। भालू मदमस्त जानवर है, वो कभी भी बिना आवाज़ किए नहीं चलते। एंडरसन को किसी जानवर के अपनी ही तरफ बढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो जानवर अभी काफ़ी दूर था। जब वो चलते चलते इतने पास आ गया कि वो एंडरसन की राइफल के रेंज में हो और टॉर्च की लाइट उस पर पड़े, एंडरसन ने धीरे धीरे से अपनी राइफल को उठाकर कंधों पर लगा लिया और उस जानवर की तरफ राइफल को तान दिया। एंडरसन ने राइफल पर लगी हुई टॉर्च को ऑन किया। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही एंडरसन देखते हैं कि वो जानवर भालू ही है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही भालू भी ठिठका और वो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होकर गुस्से से हुंकारता हुआ एंडरसन पर झपटा। उन दोनों के बीच की दूरी 10 फीट रही होगी, तब एंडरसन ने एक गोली उस भालू की छाती पर दाग दी। गोली लगते ही भालू पीछे की तरफ गिर पड़ा और तुरंत उठकर फिर से एंडरसन पर लपका। एंडरसन ने दूसरी गोली उस भालू के माथे पर उतार दी। दूसरी गोली लगते ही भालू जमीन पर लुढ़क गया, उसके माथे से खून की पिचकारी फूट पड़ी। एंडरसन ने कुछ पत्थर उठाकर भालू पर फेंके, भालू के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। एंडरसन वापस गांव में लौटा। गोली की आवाज़ गांव में भी सुनी गई थी। भालू के मारे जाने की खबर आसपास के गांवों में रात में ही आग की तरह फैल गई थी। एंडरसन ने कुछ आदमियों को गांव से लिया और भालू की लाश गांव में लाई गई। लाश को बड़ी सी आग जलाकर उसके बगल में रखा गया ताकि सभी लोग उस दुर्दांत भालू को देख सकें जिसने उनके परिजनों की हत्या की थी। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन पर भालू ने हमला किया था। उन लोगों के लिए वो भालू जानवर के रूप में एक बुरी आत्मा थी जिससे जीतना इन लोगों के बूते की बात नहीं थी। एंडरसन उनके लिए भगवान थे जिन्होंने उनको इस बुरी आत्मा से मुक्ति दिलाई थी। आज भी उन गांव में एंडरसन को उसी आदर भाव के साथ याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानी इस चैनल पर लाता रहूँ। आप लोगों के सुझाव मुझे प्रेरित करते हैं, इसलिए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का दिया गया प्यार अमूल्य है, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार।